ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको दलित प्रेम दिवस पर नेता क्या करते हैं हमने आपको दिखाया, अब बात उन दलितों की असल तस्वीर की और नेताओं पर नजरिया किस तरीके से दलित रखते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। जरा देखिए किस तरीके से दलितों की सुनने वाला आज के दिन भी कहीं पर कोई नहीं। तो आज दलित प्रेम दिवस पूरे देश में और प्रदेश में धूमधाम के साथ मनाया गया, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि इस दलित प्रेम की जमीनी हकीकत क्या है। क्या वाकई जो दावे और वादे और प्यार नेताओं और पार्टियों की तरफ से आज दिखाया गया वो सिर्फ सियासी प्रेम है? और सवाल ये भी कि क्या नेताओं की ही दलित सुनता रहेगा या फिर दलित की भी कोई सुनता है? लगता ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रिपोर्ट कुछ ऐसा कहती है। जरा देखिए, 17 फरवरी 2015, गांव बसवाणी, जिला नागौर, एक धाणी में आग लगाई गई। एक दलित महिला जलकर मर गई। आज 60 दिन हो चुके हैं, ये लोग ऐसे ही बैठे हैं, दलित हैं। और आज दलित प्रेम नेताओं में ऐसे उमड़ रहा है, आवाज ऐसे गरज रही है जैसे बरसात के मौसम में बादल। लेकिन कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। यकीनन इस दलित परिवार के साथ कुछ ऐसा ही है। संविधान निर्माता के इस दलित समुदाय को संविधान की कोई सहायता नहीं, तभी तो 60 दिन पहले आंखों के सामने पूरे परिवार को जलाया जाता है। बाकायदा सब जानते हैं कि किसने जलाया, क्यों जलाया, लेकिन पुलिस FIR तक सीमित है और नेता सिर्फ बाबा साहेब को माला पहनाने तक। उस दिन क्या हुआ जरा सुनिए। मैं मारा भी झोंपी में सुता, माता जड़ाव, मैं बाबूलाल और मारो लड़को हरिंदर, तो मैं तो दोनों साथ खाट पर सुता, वो माता है मारी वो जमीन पे सूती, गेट के सामने गेट, बड़ो गेट हो तो झोंपी को, तो मैं रात की 3:30 बजे यहाँ बजे रात बोलो जी 12:30 बजे आई रात की, और जो पेंट और लाल पर आ वो आग लगाई। घर में आग लगा दी गई और आग लगाने वाले कौन है ये भी सब जानते हैं। जरा सुनिए जब घर जल रहा था उस दौरान आरोपी क्या कुछ कर रहे थे। तो मैं सामने मंडी का दे दी, एक दिन बाहर निकलने हिम्मत पड़ी नहीं, मैं कि मार दे बाहर निकलता था, तो मैं पांचों आदमी जो खड़ा दी किया हम सामने, तो हिम्मत नहीं पड़ी बाहर निकलने की। पांच आदमी कौन थे, नाम जानते हो? गबराइज को मैं अंदर नाम जानते हो? अन्ना राम और छिल्ला राम, आदू राम और एक डूंगा राम लड़को, एक अन्ना राम को, एक मैं राम राम, ये पांचों मुलजम है जो पांचों आज ही मैंने दिख किया। 2-3 दिन पहले भी डांटे आई आई और भी रात तो सामने खड़ा रहेगा। दरिंदों का दलित पर अत्याचार होता रहा और एक महिला की मौत हो गई। इसके बाद ये लाश इंसाफ मांग रही है। इंसाफ की इसी आस के साथ लोग नारे लगा रहे हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और जड़ाव के परिजन शव लेकर नागौर अस्पताल पहुंच गए थे। शव रखकर प्रदर्शन भी किया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की गई, लेकिन पुलिस ने सिर्फ आश्वासन दिया। पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी, जिससे इलाज के दौरान जोधपुर हॉस्पिटल में मेरी दादी माँ की डेथ हो गई है, बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती है। इस पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसका सही और निष्पक्ष अनुसंधान करके नतीजा दिया जाए। तो पुलिस कहती है कि निष्पक्ष और सही जांच की जाएगी, लेकिन कब तक ये कहा नहीं जा सकता। इस घटना को 2 महीने हो चुके हैं, आरोपियों के नाम भी पुलिस जानती है, धरने पर बैठे हुए भी लगभग 60 दिन हो चुके हैं, लेकिन दलित प्रेम से भरे समाज में न्याय अभी तक नहीं मिला। वजह क्या रही जरा ये भी देख ले। 27 फरवरी को जिला मुख्यालय पर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया गया जो अभी तक जारी है। और इस दौरान 8 अप्रैल को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के SC ST प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी रुचि गुप्ता, गोपाल कैसावा, प्रशांत बैरवा समेत कई दलित नेता नागौर आए और धरने पर बैठकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, यानी दलित वोट बैंक की राजनीति शुरू हुई। बावजूद इसके आज तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई,
धरने पर बैठे परिजन पुलिस पर आरोपियों से मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं। इस घटना को होने का लगभग ये हो गई 60 दिन, फिर भी मुजरिमों को गिरफ्तार पुलिस नहीं कर पा रही। इसकी वजह है हम दलित हैं और वो और फुला दें। अगर इसी जगह अगर कोई दूसरा होता तो मुजरिमों को पुलिस रातों रात ढूंढ के अंदर लाकर पटक दे। आरोप सिर्फ पुलिस की मिली भगत का नहीं है बल्कि नेताओं के दबाव का भी। कुछ वही जो आज दलित प्रेम का दावा कर कहीं ना कहीं बाबा साहेब की मूर्ति को माला पहना रहे होंगे। लेकिन जिस दलित घर से अर्थी उठ चुकी है, एक अस्पताल जिंदगी और मौत के बीच है और बेटा यहाँ पर धरने पर बैठा है, वहाँ ना नेता है, ना नारे हैं, ना वादे हैं, ना दावे हैं और ना ही उम्मीद। तभी तो 60 दिन बाद भी आवाज प्रशासन और सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही। शायद ये आवाज हमेशा के लिए शांत होने का इंतजार कर रही है। वेस्ट इंडिया न्यूज के लिए नागौर से कैमरामैन घनश्याम माथुर के साथ डॉक्टर के आर गोदारा की रिपोर्ट। मेरे सहयोगी के आर गोदारा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गोदारा, सवाल सिर्फ इतना सा है कि 60 दिन धरने को हो गए, पांचों लोगों के नाम पता है, पुलिस कर क्या रही है? जी जी, देखिए इस मामले में पूरी तरह से राजनीति हावी हो चुकी है, क्योंकि जिन लोगों ने दलित की झोपड़ी पे आग लगाई या हमला किया जी, उसमें जो एसएचओ सदर नागौर है वो भवनलाल देवासी। लोगों का ये कहना है कि जातिवाद के चलते देवासी और देवासी वर्ग के लोगों ने जहाँ इनके आग लगाई उनको लेके एक एसएचओ जानबूझ के कार्रवाई नहीं करा। दूसरा नागौर के कुछ विधायक जिनके नाम मैं अभी लेना नहीं चाहता क्योंकि अभी क्लियर हुआ नहीं, कुछ विधायक ये चाहते हैं कि वो देवासी जो वर्ग के लोग हैं वो उनके वोट बैंक है, इस वजह से वो उनकी गिरफ्तारी चलवाते आ रहे हैं। लेकिन 60 दिन गोदारा बहुत ज्यादा वक्त होता है। जी जी बिल्कुल, ये पहले उनको जब ये जिस दिन ये घटना हुई उस दिन ये डेड बॉडी लेके जिला मुख्यालय आए थे, तब स्वयं एडिशनल एएसपी और कलेक्टर साहब ने ये कहा था कि भाई आपको 60 दिन में हम आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। उस वक्त एसएचओ का भी यही बयान थे कि हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। लेकिन 60 दिन बीत जाने के बावजूद आज तक आरोपी, पुलिस को यह भी नहीं पता कि आरोपी है कहाँ। क्या गोदारा ये कहा जाए कि गुंडा राज वहां पर है, क्योंकि पुलिस को यह पता है कि आरोपी कौन है, कलेक्टर को यह पता है कि वहां पर एक्शन क्या लिया जा रहा है, विधायक को यह पता है कि उसके इलाके में हो क्या रहा है, लेकिन जिस दलित के नाम पर वोट बैंक वहां पर परोसा जाता है उस दलित की सुनता कोई नहीं। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि नागौर में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं, चाहे पुलिस हो, चाहे जिला प्रशासन हो या चाहे कोई और हो, कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने को न तो तैयार है न कोई एक्शन लेने को तैयार है। चलिए गोदारा, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो यहां पर मामला वही ढाक